और अब उपचुनाव की बात कर लेते हैं। मांडर उपचुनाव के लिए आज से प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। 6 जून तक ये प्रक्रिया चल सकेगी। 7 जून को स्क्रूटनी और 9 जून को नाम वापसी की तारीख है। 23 जून को मांडर उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 26 को रिजल्ट आएगा। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने अब तक इस सीट पर अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। बता दें कि बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई कोर्ट से 3 साल की सजा मिलने के बाद ये सीट खाली हुई है। मांडर उपचुनाव की अधिसूचना जारी होते ही दावेदारी शुरू हो गई है और आज से नामांकन भी शुरू हो रहा है। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, बावजूद इसके पार्टी के नेता क्षेत्र में जमकर पसीना बहा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में बंधु तिर्की की अच्छी पकड़ मानी जाती है। 3 बार इस क्षेत्र से विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं, लिहाजा राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि बंधु तिर्की की उत्तराधिकारी उनकी बेटी ही होगी। बेटी को चुनाव में उतारने को लेकर बंधु तिर्की ने कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है, जिसकी घोषणा होना बाकी है। लेकिन बंधु तिर्की अपनी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को क्षेत्र में प्रोजेक्ट कर दिया है। इस सीट को बचाने के लिए हर लग प्रयास किया, चूंकि मैं तो आग्रह करूंगा, चूंकि करीब 25 साल से उस इलाके में मैंने सेवा किया है, जनता के साथ मेरा एक सीधा संबंध है, हमारे परिवार के किसी सदस्य को ही टिकट दिया जाए, ये मैंने आग्रह कर चुका हूँ। आय से अधिक संपत्ति मामले में तत्कालीन विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता रद्द होते ही बीजेपी के कई नेता उपचुनाव में दावेदारी पेश कर रहे हैं। पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर और पूर्व प्रत्याशी देव कुमार धान दोनों इस क्षेत्र में जमकर पसीना बहा रहे हैं। देखिए, निश्चित है कि भाई पार्टी में आदमी है, पिछले बार हम लोग चुनाव लड़ के 70-72 हजार वोट लाए थे, तो हम निश्चित है कि राजनीति में है तो चुनाव तो लड़ना चाहता है, लेकिन आला कमान जिसको टिकट देगा वही चुनाव लड़ेगा ना। मांडर उपचुनाव की अधिसूचना जारी होते ही जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। 23 जून को मांडर उपचुनाव का मतदान होना है, जिसके लिए प्रत्याशियों का नामांकन पर्चा 6 जून तक भरा जाएगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी से कौन उम्मीदवार चुनावी मैदान में होता है, लेकिन इतना तो साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर जरूर देखने को मिलेगी। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन मंटू के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।